Just as any building is supported by pillars, the idea of human development is supported by the concepts of equity, sustainability, productivity, and empowerment. Equity means making equal access to opportunities available to everybody. Opportunities available to people must be equal irrespective of their gender, race, income, and in the Indian case, and caste. Yet this is very often not the case and happens in the almost every society. Normally, the poor and persons belonging to the socially and economically backward groups fail to have access to equity. Second pillar is sustainability. So, what is sustainability? Sustainability refers to continuity in the availability of opportunities. This means that each generation must have the same opportunities. Therefore, we must use our environmental, financial, and human resources in such a way that our future generations are not disadvantaged of these opportunities. The third pillar is productivity. Productivity means human labor productivity or productivity in terms of human work. It must be enriched by building capabilities in people. In fact, people of a country are its real wealth. As such, sincere efforts should be made to increase their knowledge and provide better facilities of health and education so that they can attain better work efficiency. Fourth pillar is empowerment. It refers to have power to make choices. Such power comes from increasing freedom and capabilities. Good governance and people-oriented policies are required to empower people. The empowerment of socially and economically disadvantaged groups is of special importance. International comparisons में जो अलग अलग countries हैं उनके HDI में comparisons को हम देखते हैं तो इसमें टू फैक्ट्स पे बात की जाती है, साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम, कि किसी भी देश के साइज और उसकी इनकम का इफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर नहीं पड़ता, डायरेक्टली उस पर कोई भी असर नहीं होता। उसको हम कैसे देखते हैं कि जो स्मॉलर कंट्रीज हैं और जो पुअर कंट्रीज हैं उनकी रैंक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो बड़ी हैं यानी कि साइज जिनका बड़ा है, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस लेवल ज़्यादा अप है, फिर भी उनकी HDI रैंक उन स्मॉलर और पुअर कंट्रीज से डाउन आती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे और USA के कंपैरिजन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं साइज़ कंपैरिजन में हम देखते हैं कि हमें वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है जिसमें यहाँ पे USA कंट्री दिखाई गई है और नॉर्वे, कि इनमें दोनों में डिफ्रेंसिएशन दिखाया गया है कि USA एक बिग कंट्री है और नॉर्वे एक स्मॉल कंट्री है। साइज कंपैरिजन के बाद यहाँ पे जो पाई चार्ट है ये GDP कंपैरिजन को शो कर रहा है, जो 2020 की GDP को शो कर रहा है नॉर्वे और USA की। तो नॉर्वे की GDP है यहाँ पे 0.37 ट्रिलियन US डॉलर और USA की अगर हम GDP की बात करें तो वो है 20.81 ट्रिलियन डॉलर। तो यहाँ पे हम दोनों में कंपैरिजन अच्छे से देख सकते हैं कि नॉर्वे की कितनी कम GDP है देन USA। साइज़ कंपैरिजन और GDP कंपैरिजन के बाद अब हम देखते हैं कंपैरिजन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक 2020, कि यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्वे और USA की जो HDI रैंक हैं, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि किसी भी कंट्री के GDP और उसकी जो लेवल होता है उसका उसके HDI रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि नॉर्वे एक स्मॉल कंट्री है बट HDI रैंक में वो फर्स्ट आते हैं और USA एक स्टेटस जो उसका इकोनॉमिक लेवल में भी अप है और एक बिग कंट्री भी है, लेकिन फिर भी उसकी HDI रैंक वो 16th है। पॉपुलेशन कंपैरिजन बिटवीन नॉर्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो देन द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्वे इज 53,48,000 एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज 32,82,40,000। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्वे की है 13.9 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया और यूनाइटेड स्टेट्स की है 33.4 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है किसी भी पॉपुलेशन में और वुमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रैंकिंग में, तो अगर हम बात करते हैं नॉर्वे की मेल पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो वो है 81 ईयर एंड यूनाइटेड स्टेट्स की है 76 ईयर्स।
एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल्स इन नॉर्वे इज 85 ईयर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स 81 ईयर्स। एवरेज एज की अगर हम बात करें तो नॉर्वे की है 39 ईयर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स की है 37.4 ईयर्स। एंड देन बर्थ रेट ऑफ नॉर्वे इज 10.20 एंड यूनाइटेड स्टेट्स की है 11.40। डेथ रेट 7.60 नॉर्वे की है एंड 8.70 यूनाइटेड स्टेट्स की है। माइग्रेशन रेट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्वे का है 3.95 एंड यूनाइटेड स्टेट्स का है 3.03। तो ये हमने देखा इस टेबल में नॉर्वे और यूनाइटेड स्टेट्स के पॉपुलेशन कंपैरिजन को। इससे पहले हमने साइज कंपैरिजन और जीडीपी कंपैरिजन की भी बात की थी। इससे एचडीआई रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यूएनडीपी 189 कंट्रीज की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक को शो करती है, जिसमें हमें लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की हाई मीडियम लो कितना है, स्कोर ऑफ डेवलपमेंट का पता चलता है और नंबर ऑफ कंट्रीज़ की उन जो स्कोर को अवेलेबल जो करवाती है शो करते हैं उसमें कितनी कंट्रीज आती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, कंट्रीज़ विद अ स्कोर ऑफ अबव 0.8 आर टर्म्ड एज हैविंग हाई इंडेक्स वैल्यू एंड कंट्रीज़ विद स्कोर ऑफ बिटवीन 0.5 एंड 0.799 आर प्लेस्ड इन मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट and the countries having development index below 0.5 are said to have low level of human development. Human development variation among regions. तो previous videos में जैसे हमने बात की थी human development के measurement की, तो उसमें हमने ranking के हिसाब से बताया था कि जो rank यानी कि जो highest rank होती है, जो 1 के जितना close जाएगी उसको हम बताएंगे human development के highest rank, और जितना 0 के नज़दीक जाती है यानी कि 0.283 अगर रैंक आती है तो उसको हम बताते हैं लोवेस्ट रैंक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें 0.4 यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो अच्छे से डेवलप्ड नहीं हो पाई हैं वो कंट्रीज आती हैं। 0.5 में सब सहारन अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं लाइक माली, चाड, इस टाइप की जो भी कंट्रीज़ हैं वो 0.5 की रैंकिंग में आती हैं। 0.6 में अरब कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि जो विकासशील है, जिनका विकास होने लग रहा है, वो आती हैं। 0.7 में हम बता सकते हैं ईस्ट एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। 0.8 में हम देखते हैं ईस्टर्न यूरोप एंड CIS और लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन जो आती हैं वो कंट्रीज़ हमारी 0.8 में आती हैं। और 0.9 जो हाईएस्ट रैंक को शो करते हैं उसमें OECD और ईस्ट एशिया एक्सक्लूडिंग चाइना की जो कंट्रीज़ हैं वो सभी इसी में आती हैं। मेनली अगर हम यहाँ पे नोट करें तो टू वर्ड्स देखते हैं हम, जो 0.8 पे आए CIS और 0.9 पे OECD, जिनके मीनिंग अब हम देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो इसमें 37 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबरशिप में आती हैं, लाइक लेटविया, जापान, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी एंड CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1991 में, जो कि सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद बना था, और इसके जो फाउंडर्स थे वो थे रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। एंड दिस टेबल शोज द ग्लोबल HDI रैंकिंग 2020 टॉप 10 कंट्रीज। दोज कंट्रीज विच हैव डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ ओवर 0.8 एंड आर कैटेगराइज्ड एज कंट्रीज ऑफ हाई इंडेक्स वैल्यू। हाई इंडेक्स वैल्यूज़ में वही कंट्रीज आती है जो भी वहाँ पे पॉपुलेशन है उनको एजुकेशन, हेल्थ केयर की जो प्रायोरिटीज़ देती हैं। एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन द मेड ऑफ इन सोशल सेक्टर, ए हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस हैव सेट दिस ग्रुप ऑफ द कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। मोस्ट कंट्रीज ऑफ दिस ग्रुप आर लोकेटेड इन यूरोप एंड आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड, हाउएवर सम ऑफ नॉन यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो फाइंड प्लेस इन दिस लिस्ट। And these are low index value countries. Those countries which have below 0.5 and are said to be have low level of human development. Low development हम यहाँ पे क्यों बताते हैं, उसके भी कुछ कारण होते हैं, जिनमें से जो main होते हैं हम उनको देख लेते हैं। Political turmoil and social instability, civil war, famine or high incidence of disease. GNH ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। तो वर्ल्ड में जब भी हम देखते हैं भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसने ऑफिशियली प्रोक्लेमेशन बेस पर GNH को ही कंट्री के डेवलपमेंट या प्रोग्रेस की मेजरमेंट के लिए बताया है, जिसके लिए जो भूटानीज हैं वो क्या बताते हैं, मटेरियल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जो इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट ना हो,
इस टाइप के जो कोई भी एक इन्वायरमेंट बनाया जाए। मीन्स ये है कि वो कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहते जिससे इन्वायरमेंट को कोई भी इफेक्ट हो। एंड इट्स सिंपली मीन्स दैट मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ही हमें जो सोचने पर मजबूर करती है किसके लिए, स्पिरिचुअल नॉन मटेरियल एंड क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के। अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट, फोर इंपॉर्टेंट अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट आर द इनकम अप्रोच, द वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। द इनकम अप्रोच, ये जितनी भी अप्रोचेज हैं यानी कि फोर अप्रोचेज की हमने बात की थी, उनमें सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है और ये जो डेवलपमेंट में शो करती है यानी कि लेवल को बताती है डेवलपमेंट का, किससे कि जितना ज़्यादा व्यक्ति की इनकम का लेवल अप होगा उतना ही उसकी फ्रीडम को भी वो ज़्यादा इंजॉय करेगा। और साथ ही ये आइडिया देती है कि हायर लेवल ऑफ इनकम, कि जितनी इनकम का लेवल अप होगा उतना ही ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। फेयर अप्रोच, ये अप्रोच ही है जो ह्यूमन बींग को एक बेनिफिशियर यानी कि उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की ऑल एक्टिविटीज़ को एक टारगेट के रूप में देखती है। यही अप्रोच है जो गवर्नमेंट को एक आइडिया देती है कि उसको सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल और ह्यूमन बींग की जो सुख साधन है उनकी प्राप्ति के लिए ही गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, ये आइडिया देती है। इसके लिए ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंक्रीजन लेवल है उसके लिए भी गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल मानती है। बेसिक नीड्स अप्रोच, ये अप्रोच ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तावित की गई और इसमें ह्यूमन बींग के वेलबींग के लिए 6 बेसिक नीड्स बताई गई, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। यहाँ पे जो पीपल की चॉइसेस थी उनको इग्नोर किया गया और जो एम्फेसाइज किया गया वो किस पे था कि उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। क्वालिटी अप्रोच, दिस अप्रोच इज रिलेटेड विद प्रोफेसर अमृता सेन और इसमें उन्होंने बताया कि हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज के एरियाज में ह्यूमन कैपेबिलिटीज का निर्माण ही बढ़ते मानव विकास का आधार है।